कचर साहब यही है कि जो खाना जो मिलता है तो खाना देख कर पेट भर जाता है, खाना देखते ही पेट भर गया। रात में भी सब थाली में लिया, थोड़ा बहुत खाया और उधर कचरा में डाल दिया, जब खाना नहीं सही था। क्या खाना में क्यों दिखा? और सुबह जो आया था रोटी जो आया था 30 रोटी आया था, 30 रोटी में 19 आदमी है, किसी को हुआ किसी को नहीं हुआ। अच्छा, खाना तो जानवर को मिलता है, जो आदमी को भी यहाँ मिल रहा है बंद करने के बाद। अच्छा, जानवर जैसा खाना मिल रहा है। और अभी तो बोल के परेशान है, बोला के आ रहा चेकअप, बोला के जो दवाई खत्म है, कुटुम जितना आदमी 5 आदमी का आया था तो सब खत्म हो गया। चेकअप करने के लिए भी कोई नहीं आता है? चेकअप करने के भी कोई नहीं आता है, यहाँ कोई पूछने के जाता है कि कैसे हो रहा है, खाना कैसा देता है। तो जैसा आता है सोचे कि बहुत ही खराब आ रहा। अच्छा, हम लोगों को अगर दिल्ली में खाना मिलता तो हम दिल्ली से आते नहीं, हम खाना खाने के चक्कर में महंगाई इतना हो गया कि हम लोगों के यहाँ आना पड़ गया। अच्छा, खाना कैसा मिल रहा है? खाना बहुत घटिया मिल रहा है। क्या क्या चाहिए? शाम को जो आया वो बहुत ही घटिया था, देखते ही मतलब मुंह में औरा जाता था, और आया हुआ भात जो होता है ना वो भात आया, और उसके बाद बदबू करता हुआ खाया, उसके बाद उधर बाहर बदबू कर रहा था इसीलिए सब बाहर फेंक दिया। अगर बदबू नहीं करता आप लोग रात में नहीं खाए? जी नहीं, रात में उतना नहीं खाए, बस मुंह उठा कर पेट हल्का सा कर लिए और सो गए। क्या नाम हुआ? गौतम कुमार। बहुत अस्त व्यस्त हालत है, आइसोलेशन वार्ड के नाम पर इन लोगों को भूखे मारने की साजिश है ऐसा महसूस हो रहा है। अच्छा। क्योंकि कल 3 बजे का भोजन जो है बना हुआ वह रात में उसको 8 बजे 9 बजे खाने के लिए दिया गया, कुछ ने खाया कुछ ने उसको, जिसको नहीं गला से उतरा वह उसको फेंकने के लिए मजबूर हो गया और उसको बाद में आपने देखा होगा इधर लोगों ने फेंक दिया। तो क्या मानते हैं राहत के नाम पे ये मजाक है क्या? बिल्कुल, ये समझ लीजिए ढोल पीटने की सिर्फ बात है आइसोलेशन वार्ड के नाम पर, कि इतना आइसोलेशन वार्ड हमने खोल दिया है नागरिकों की सुरक्षा। में एक आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है जिसमें करीब 19 लोग यहाँ पर अभी हैं, खाना पीना का नाश्ता का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया गया है। ये लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं।